अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम आसिया कौसर हुसैन देसाई है। मैं डॉक्टर जाकिर हुसैन उर्दू मराठी स्कूल में बतौर एक मुआविन मुअल्लिमा के तौर पर अपनी तदरीसी खिदमत अंजाम दे रही हूँ। बच्चों, आपको मालूम है कोविड-19 इस वबाई बीमारी की वजह से हमें बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। इन तमाम मुश्किलात में एक सबसे अहम मसला यह है कि हमारे मदारिस कई महीनों से बंद हैं। बच्चों, मदारिस बंद हैं लेकिन हम आपके लिए तालीम के नए नए जदीद ज़राए के ज़रिए घर बैठे तालीम फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए बच्चों, आपको एक बात बताती हूँ कि महानगर पालिका और करवीर इन दोनों के बाहमी ताउन से एक नई सरगर्मी शुरू की गई है। उस सरगर्मी का नाम है मेरी टीवी मेरा मदरसा, यानी आप घर बैठे अपने टीवी पर अपनी तालीम हासिल कर सकते हैं। हमें महानगर पालिका और करवीर इनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने हमें सुनहरी मौका फराहम किया है। तो चलिए, इसी सरगर्मी के तहत मैं आज आपके सामने जमात दुवम उर्दू बाल भारती की पहली नज़्म दुआ ये सिखाने जा रही हूँ। तो बच्चों, दुआ को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि दुआ यानी क्या। दुआ यानी कि अल्लाह ताला से मांगना। देखो, एक हदीस है, अद दुआ मुख्कुल इबादा, दुआ इबादत का मग़्ज़ है। तो यहाँ पर हमें दुआ की अहमियत का अंदाज़ा होता है कि दुआ मांगते रहना चाहिए। तो हमें भी अपनी तमाम मुश्किलात में, परेशानियों में, मुसीबतों में और हर हाल में अल्लाह ताला से दुआ मांगते रहना चाहिए। ठीक है, अब मैं जमात दुवम की जो नज़्म दुआ आपको सिखाने जा रही हूँ, सबसे पहले मैं आपको वो तरन्नुम से सुनाऊँगी। जिस तरह आप मदरसे में अपने उस्ताद के साथ साथ ये नज़्म दुआ हमद नाद दोहराते हैं, बिल्कुल उसी तरह जब मैं यहाँ पर दुआ को तरन्नुम के साथ सुनाऊँगी तो आप भी साथ साथ दोहराने की कोशिश करें। तो चलिए, सफ़ा नंबर 10 निकालिए, इस पर पहली नज़्म है दुआ। ठीक है, अब मैं इस नज़्म को शुरू करती हूँ। ऐ खुदा सुन ले मेरी दुआ, कर तू मुझ पर करम, रख तू मेरा भरम। राह सीधी चलूं, शम्मा बन कर जलूं, मुझको सच्चा बना, मुझको अच्छा बना। ऐ खुदा सुन ले मेरी दुआ, कर तू मुझ पर करम, रख तू मेरा भरम। सबसे उल्फत करूँ, सबकी खिदमत करूँ, सबसे उल्फत करूँ, सबकी खिदमत करूँ, मैं करूँ हर घड़ी तेरी ही बंदगी। तू मुझे शाद रख, गम से आज़ाद रख, तू मुझे शाद रख, गम से आज़ाद रख। ऐ खुदा सुन ले मेरी दुआ, ऐ खुदा सुन ले मेरी दुआ, कर तू मुझ पर करम, रख तू मेरा भरम। कैसी लगी बच्चों आपको ये दुआ? उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। तो चलिए, अब हम इस दुआ को का खुलासा समझेंगे। ठीक है, दुआ का खुलासा समझाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँ, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि दुआ, किसी भी दुआ नज़्म नात को लिखने वाले को क्या कहते हैं? शायर कहते हैं। और जिस तरह सबक के लिखने वाले को मुसन्निफ़ कहते हैं, इस तरह नज़्म के लिखने वाले को शायर कहते हैं। अब हमें देखना यह है कि इस दुआ में शायर एक बच्चे की ज़ुबानी खुदा की बारगाह में दुआ मांग रहा है। यहाँ पर शायर एक बच्चे की ज़ुबानी खुदा की बारगाह में दुआ मांग रहा है। ठीक है, अब मैं इस दुआ का खुलासा आपको समझाऊँगी। ऐ खुदा सुन ले मेरी दुआ। देखो बच्चों, जब भी हम किसी से कुछ मांगते हैं, जैसे कि हम अपने घर में अपने अम्मी से, अपने अब्बू से कुछ मांगते हैं, तो पहले हम उन्हें क्या करते हैं? अपनी जानिब मुखातिब करते हैं। अम्मी, अब्बू, ऐसा कह के हम उन्हें मुखातिब करते हैं ताकि उनकी तवज्जो हमारी जानिब मबजूल हो जाए। तो बिल्कुल इसी तरह बच्चा यहाँ पर दुआ मांगने से पहले खुदा को पुकार रहा है, उसे अपनी जानिब मुखातिब कर रहा है। ऐ खुदा सुन ले मेरी दुआ। अब बच्चा इल्तिजा कर रहा है कि तू मेरी दुआओं को सुन ले।
अब देखो यहाँ पर सुन ले मेरी दुआ, बच्चा क्या दुआ कर रहा है खुदा की बारगाह में, यह हम अब आगे देखेंगे। कर तू मुझ पर करम, रख तू मेरा भरम, अल्लाह तू मुझ पे अपना करम नाजिल कर। बच्चा यहाँ पर खुदा की करम का तलबगार है। करम के माने होते हैं करम यानी के मेहरबानी, करम यानी मेहरबानी। बच्चा खुदा से उसकी मेहरबानी का तलबगार है। बच्चा कह रहा है अल्लाह तू मुझ पे अपनी मेहरबानी कर। देखो जब अल्लाह ताला की मेहरबानी अपने शामिल हाल होगी तो अपनी ज़िंदगी बहुत ही खुशगवार होगी। रख तू मेरा भरम, देखो बच्चों भरम के यहाँ पर दो मायने होते हैं। एक भरम के मायने होते हैं कि इज्जत बनाए रखना, और जैसा कि बच्चा खुदा से कह रहा है ऐ अल्लाह तू लोगों में मेरी इज्जत बनाए रख, जिस तरह तूने आज तक मुझे इज्जत दी है ऐ अल्लाह मुझे हमेशा इज्जत दे, जिल्लत से बचा और लोगों में मेरी इज्जत को बनाए रख। यहाँ पर बच्चा खुदा से इल्तिजा कर रहा है। और एक भरम के माने यहाँ पर होते हैं गुमान के। हम अक्सर सुनते हैं कि अल्लाह ताला बंदे के गुमान के साथ होता है। अगर हम अल्लाह ताला से अच्छा गुमान रखते हैं तो अल्लाह ताला हमें अच्छा अता करते हैं, और अगर हम अल्लाह ताला हमें बहुत सारी नियामतों से नवाजते हैं। तो बच्चा भी यहाँ पर खुदा से अच्छा गुमान बांधे हुए हैं और अच्छे गुमान की बदौलत अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर है। तो बच्चा कह रहा है अल्लाह मैं तुझसे अच्छा गुमान रखता हूँ, तू मेरे गुमान को टूटने न दे, तू मेरे भरम को टूटने न दे। अब देखो अगले शेर की जानिब हम बढ़ते हैं। राह सीधी चलूँ शम्मा बनकर जलूँ, राह यानी कि रास्ता। यहाँ पर बच्चा सीधे रास्ते पर चलने की खुदा के बारगाह में दुआ कर रहा है। जैसा कि हम अक्सर अपने पांच वक्त की नमाज में एक दुआ करते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। तो बिल्कुल बच्चा भी यहाँ पर अल्लाह ताला से सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक मांग रहा है और हमेशा राह को भटकने से बचाने की दुआ मांग रहा है। शम्मा बनकर जलो, यहाँ पर बच्चा कितनी प्यारी मिसाल में दुआ मांग रहा है अल्लाह ताला की बारगाह में। बच्चों आपको मालूम है शम्मा का काम क्या है? शम्मा यानी चिराग। चिराग का काम क्या है? वो खुद जलती है, शम्मा खुद जलती है, पिघलती है, लेकिन अपनी वजूद से अपने अतराफ की तारीकी को मिटाती है और तारीख राहों को मुनव्वर करती है, रोशनी देती है। बिल्कुल उसी तरह बच्चा भी अपने वजूद से अपने अतराफ के लोगों को फ़ायदा पहुंचाना चाहता है। जिस तरह शम्मा अपने वजूद को मिटाती है लेकिन लोगों को फ़ायदा पहुँचाती है, बच्चा भी चाहता है अल्लाह मैं भी अपने वजूद से लोगों को फ़ायदा पहुँचाऊँ। मुझको सच्चा बना, मुझको अच्छा बना, बच्चा कह रहा है मुझको सच्चा बना, मुझको अच्छा बना। देखो हम स्कूलों में अक्सर एक कॉल पढ़ते हैं हमेशा सच बोलो, क्यों? क्योंकि सच्चाई एक बहुत बड़ी दौलत है, और अगर ये हम दौलत हमको नसीब हो जाए तो हमारे अखलाक संवर जाएंगे। क्योंकि जो बंदा सच बोलता है वो बाकी के किसी गुनाह में मुलविस ही नहीं हो सकता। इसीलिए बच्चा भी यहाँ पर अल्लाह ताला से दुआ कर रहा है अल्लाह मैं हमेशा सच बोलूँ, मुझ में सच्चाई की सिफत पैदा कर, मुझको अच्छा बना, मुझ में तमाम अच्छी आदतें डाल दे। सच बोलना जिस तरह एक अच्छी आदत है, इसी तरह बिल्कुल बड़ों की खिदमत करना भी अच्छी आदत है और हमेशा बड़ों का कहना मानना भी अच्छी आदत है। देखो अक्सर पेरेंट्स हम तक शिकायत लेकर आते हैं बच्चों की कि टीचर हमारा बच्चा हमारी बात ही नहीं मानता। क्यों नहीं मानते बच्चे आप अपने पेरेंट्स की बात? तो ये बहुत बुरी बात है। हमें चाहिए कि हम अपने बड़ों की, पेरेंट्स की, टीचर्स की, अपने माँ बाप की बातों को सुने और उनके हुक्म के मुताबिक अमल करने की कोशिश करें। तो ये तमाम बातें अगर हम में आ जाएंगी तो हम भी अच्छे बच्चे बनेंगे। जिस तरह ये दुआ में बच्चा खुदा से इल्तिजा कर रहा है मुझको अच्छा बना, तो हम भी दुआ करेंगे अल्लाह ताला से कि अल्लाह हमें भी अच्छा बच्चा बना। ठीक है, अब हम अगले शेर की जानिब बढ़ते हैं। अगला शेर है सबसे उल्फत करूँ सबकी खिदमत करूँ। देखो उल्फत के माने होते हैं मोहब्बत के। बच्चा यहाँ पर खुदा से कितनी प्यारी चीज़ मांग रहा है। वो चाहता है कि उसके दिल में सबके लिए मोहब्बत हो, किसी के लिए उसके दिल में नफ़रत ना हो, किसी के लिए उसके दिल में कीना ना हो, बुग्ज ना हो, ताकि जो दिल साफ इन तमाम बुराइयों से दूर रहता है वो दिल पाक और शफाफ आईने के मानिंद होता है। और बच्चा चाहता है अल्लाह मेरे दिल में हर एक के लिए उल्फत मोहब्बत डाल दे ताकि मैं अपने अतराफ के माहौल में खुशियाँ फैला सकूँ, सबकी खिदमत करूँ। अब खिदमत से मुराद होते हैं नौकरी के, लेकिन यहाँ पर खिदमत से मुराद है
खिदमत करना यानी सबकी मदद करना। बच्चा अपनी ज़ात से हर एक की खिदमत करना चाहता है, मदद करना चाहता है, अपने बड़ों का कहना मानना चाहता है, उनकी मदद करना चाहता है। आप भी करते हैं ना अपने माँ बाप के कामों में उनकी मदद? तो बच्चों हमें चाहिए कि अपने माँ बाप के कामों में, अपने उस्ताद के कामों में हमेशा उनकी मदद करते रहें। ये दुआ हमें क्यों दी गई है? ये दुआ सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं दी गई है, ये दुआ पढ़कर हम इस पर अमल करें, इसलिए ये दुआ हमारे निसाब में रखी गई है। तो ठीक है, आप भी अपने बड़ों की खिदमत करेंगे। अब अगले शेर में बच्चा कह रहा है, मैं करूँ हर घड़ी तेरी ही बंदगी, मैं करूँ हर घड़ी तेरी ही बंदगी। माशाल्लाह कितनी प्यारी दुआ मांग रहा है अल्लाह ताला से। बच्चा कह रहा है, अल्लाह मुझमें ऐसी सिफत पैदा कर कि मैं हमेशा तेरी बंदगी करता रहूँ। बंदगी, बंदगी से मुराद है अल्लाह ताला की इबादत। यहाँ पर अल्लाह ताला से उसकी इबादत करने की तौफीक बच्चा मांग रहा है, और अल्लाह ताला के अहकाम पर अपनी ज़िंदगी को गुजारने की तौफीक बच्चा मांग रहा है। अगला शेर है, तू मुझे शाद रख गम से आज़ाद रख, तू मुझे शाद, शाद के माने होते हैं खुश, खुशियाँ, शाद रखना यानी खुश रखना। यहाँ पर बच्चा अल्लाह ताला से कह रहा है, अल्लाह मुझे तो खुश रख। जैसे कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियाँ, मुसीबतें, दुख, बलाएँ आती रहती हैं, है ना, तो बिल्कुल इसी तरह बच्चा भी अपनी ज़िंदगी में आने वाली परेशानियों से, मुसीबतों से घबरा रहा है, परेशान हो रहा है, अल्लाह ताला से दुआ कर रहा है, अल्लाह तू मुझे इन तमाम परेशानियों से दूर रख और मुझे खुशी अता कर, तू मुझे खुश रख, गम से आज़ाद रख। यहाँ पर बच्चा चाह रहा है कि जितनी भी बलाएँ, मुसीबतें, परेशानियाँ हैं, इन तमाम को मुझसे दूर रख और मुझे बेगम कर दे। गम से आज़ाद रख के माने होते हैं मुझे बेगम कर दे। ऐ खुदा सुन ले मेरी दुआ। बच्चा यहाँ पर और एक मरतबा इल्तिजा कर रहा है, अल्लाह तू मेरी दुआओं को सुन ले। ठीक है, कैसी लगी बच्चों ये नज़्म? दुआ बड़ी प्यारी है ना, तो आइए हम भी खुदा की बारगाह में एक दुआ करते हैं कि आपको मालूम है ना दुनिया में सब लोग कोविड-19 बीमारी की वजह से कितने परेशान हैं, और महापुर की वजह से भी बहुत सारे लोग परेशान हैं। तो आइए अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाएं और दुआ करें, ऐ अल्लाह जितने भी कोविड-19 इस बीमारी की वजह से परेशान हाल लोग हैं, मुसीबत ज़्यादा लोग हैं, उनकी परेशानियों को, उनकी मुसीबतों को दूर कर, और अल्लाह इस महापुर में जितने लोगों के घर उजड़ चुके हैं, अल्लाह जो गमज़दा हैं, मुसीबत ज़दा हैं, उनके गमों को, उनकी मुसीबतों को दूर कर और उनके लिए आसानियाँ पैदा करना। आमीन या रब्बुल आलमीन। ठीक है, आप भी हमेशा अपने रब से दुआएं मांगते रहिए। अब हम इस दुआ में आने वाले अल्फाज के मानी की तरफ एक मरतबा और देखेंगे। पहला लफ्ज़ है करम। करम यानी के मेहरबानी। करम के माने होते हैं मेहरबानी, इनायत या अता के। ठीक है, दूसरा लफ्ज़ है भरम बनाए रखना। भरम बनाए रखना यानी इज्जत, भरम बना रखना, इज्जत कायम रखना। ठीक है, अब अगला लफ्ज़ है उल्फत। उल्फत के माने क्या होते हैं? उल्फत के माने मोहब्बत। और उसके बाद का लफ्ज़ है खिदमत। खिदमत, खिदमत यानी कि नौकरी करना, मदद करना। अगला लफ्ज़ है शाद। शाद के माने होते हैं खुश, शाद यानी खुश। और उसके बाद लास्ट लफ्ज़ है आज़ाद। आज़ाद यानी कि बेगम। ठीक है, ये तमाम अल्फाज के माने आपको समझ में आ चुके होंगे। अब आपको क्या करना है, इस नज़म को बार बार पढ़ना है, इसके अल्फाज के माने याद करने हैं और इसको तरन्नुम से याद करनी है। ठीक है, अब हम इसकी मशकी सरगर्मियों की जानिब बढ़ते हैं। अब मशकी सरगर्मी में पहला है देखो पढ़ो और लिखो। देखो पढ़ो और लिखो। यहाँ पर देखो क्या करना है, हमें नीचे बहुत सारे लफ्ज़ दिए गए हैं, इनको देखकर पढ़ने की कोशिश करना चाहिए और लिखने की भी कोशिश करना है। पहला लफ्ज़ है करम। पहला लफ्ज़ है करम। अब करम को हमें किस तरह पढ़ना है? करम, क को अलहदा पढ़ना है, र और म को मिलाना है। करम, क पर ज़बर है, र और म को मिलाना है, र पर भी ज़बर है, करम। इसको इस तरह पढ़ेंगे। अब यहाँ पर सामने खाली जगह दी गई है, तो इस खाली जगह में क्या करना है, आपको ये लफ्ज़ लिखना है। समझ में आया बच्चों? अब हम दूसरे लफ्ज़ की जानिब बढ़ते हैं, भरम। भरम, अब देखो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, भ रम, इसको किस तरह पढ़ना है, भ पर ज़बर है, भ को अलहदा पढ़ेंगे और र और म को मिलाएंगे, भ रम।
भरम, और आगे खाली जगह है, खाली जगह में ये लफ्ज़ आपको लिखना है, ठीक है। हाँ, अब नीचे बहुत सारे लफ्ज़ दिए गए हैं, इन तमाम लफ्ज़ों को आप वहाँ पर बताया गया है कि इस लफ्ज़ को किस तरह पढ़ें, तो बिल्कुल वहाँ पर बताए गए तरीके से पढ़ें और इन खाली जगहों में लिखने की कोशिश करें। मैं वो लफ्ज़ अल्फाज पढ़ती हूँ, उसके बाद है शमा और उल्फत, उसके बाद नीचे दिया गया है खिदमत, घड़ी, और उसके बाद है बंदगी, और अगला लास्ट लफ्ज़ है शर्त। इसको बिल्कुल बताए गए तरीके से पढ़ें और लिखें, ठीक है। अब हम अगली सरगर्मी की जानिब बढ़ते हैं। अगली सरगर्मी है नीचे दिए हुए सवालों के जवाब लिखो। हाँ, अब पहला सवाल है, बच्चा किससे दुआ मांग रहा है, बच्चा किससे दुआ मांग रहा है, बच्चा अल्लाह ताला से दुआ मांग रहा है। यहाँ पर नज़्म में खुदा दिया गया है, तो हम इस तरह भी कह सकते हैं, बच्चा खुदा से दुआ मांग रहा है, ठीक है। अब दूसरा सवाल देखो, बच्चा कैसी राह चलना चाहता है, बच्चा सीधी राह चलना चाहता है। एक शेर में बताया गया है, देखो, राह सीधी चलूँ, है ना, वहाँ पर हम इसका जवाब मिलता है, बच्चा सीधी राह चलना चाहता है। बच्चा दूसरों के लिए क्या करना चाहता है, बच्चा दूसरों के लिए, तीसरा सवाल है हमारा, बच्चा दूसरों के लिए क्या करना चाहता है। नज़्म में एक शेर है, मैं करूँ हर घड़ी ते नज़्म में एक शेर दिया गया है, उसमें हमें यहाँ पर उसका जवाब मिलेगा, सबसे उल्फत करूँ सबकी खिदमत करूँ, सबसे उल्फत करूँ सबकी खिदमत करूँ, यहाँ पर हमें उसका जवाब मिलता है, बच्चा सबकी खिदमत करना चाहता है, ठीक है। अब अगला सवाल देखो, बच्चा हर वक्त क्या करना चाहता है, बच्चा हर वक्त खुदा की बंदगी करना चाहता है, ठीक है। ये सवालों के जवाब आपको समझ में आए होंगे। अब हम अगली सरगर्मी की जानिब बढ़ते हैं। अगली सरगर्मी है, नज़्म से ऐसे लफ्ज़ तलाश करके लिखो जो नून गुन्ना पर ख़त्म होते हैं। हाँ, यहाँ पर नज़्म है, और नज़्म में नून गुन्ना वाले अल्फाज कौन कौन से हैं, देखो बच्चों, यहाँ पर एक है चलूँ और जलूँ, ये दोनों लफ्ज़ों के आखिर में क्या है, नून गुन्ना है, दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर दोनों के आखिर में नून गुन्ना है, तो ये दोनों भी लफ्ज़ों को आपको इसके नीचे लिखना है, ठीक है। ये सवाल ऊपर लिखेंगे और इसके नीचे ये दोनों भी लफ्ज़ लिखेंगे, ठीक है। अब देखो अगली सरगर्मी की जानिब बढ़ते हैं, नज़्म से तीन हरफी लफ्ज़ चुनकर लिखो। नज़्म से तीन हरफी लफ्ज़ चुनकर लिखो। देखो यहाँ इस नज़्म में बहुत सारे तीन हरफी लफ्ज़ हैं, मैं आपको मिसाल के तौर पर एक दो लफ्ज़ बताती हूँ और बाकी के लफ्ज़ आपको तलाश करके लिखना है, ठीक है। अब एक है देखो, आए खुदा सुन ले मेरी दुआ। यहाँ पर खुदा, खुदा में कितने लफ्ज़ हैं, हर्फ हैं, तीन हरफी लफ्ज़। हाँ, कितने हर्फ हैं, हर्फ यानी अ ब क, ये अलहदा, इन्हें हर्फ कहते हैं, और इनसे मिलने वाले, इनसे बन मिलकर बनने वाले को लफ्ज़ कहते हैं। अब यहाँ पर खुदा एक लफ्ज़ है, इसमें कितने हर्फ हैं, ख द अ, खुदा, यहाँ पर तीन हर्फ हैं, तो ये तीन हरफी लफ्ज़ हुआ, ठीक है। और इसी तरह दुआ, द ऐन अ, यहाँ पर भी दुआ में भी तीन हर्फ हैं। इस बाकी के नज़म में आप इस तीन हरफी अल्फाज को तलाश करेंगे और इसके नीचे लिखेंगे, ठीक है। अब हम अगली सरगर्मी की जानिब बढ़ते हैं, नज़्म से ऐसे लफ्ज़ चुनकर लिखिए जिस पर तजदीद लगा हो। हाँ, नज़्म से ऐसे लफ्ज़ जिस पर तजदीद लगा हो। देखो यहाँ पर अब हम तलाश करेंगे कहाँ है तजदीद लगा हुआ लफ्ज़। देखो, मुझको सच्चा बना, मुझको अच्छा बना, यहाँ पर सच्चा और अच्छा ये दोनों भी लफ्ज़ों पर क्या है, तजदीद है। सच्चा, जिसको हम दो मरतबा च की आवाज़ निकालते हैं तजदीद की वजह से, और अच्छा, ये तजदीद वाले लफ्ज़ हैं। अब हम इसको इनके नीचे लिखेंगे, ठीक है। अब हम देखो अगला सरगर्मी है, नज़्म से ऐसे लफ्ज़ चुनकर लिखो जो र पर खत र से शुरू होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर र से शुरू होने वाले लफ्ज़ कौन कौन से हैं, एक है रख और दूसरा है राह, ये दोनों भी र से शुरू होने वाले लफ्ज़ हैं। इन्हें क्या करना चाहिए, इन्हें उसके नीचे लिखना चाहिए। बच्चों, अब नीचे भी सवाल दिए गए हैं, ये इन सवाल को आपको खुद से हल करना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। यहाँ पर नज़्म से एक जैसे आवाज़ वाले लफ्ज़ों की जोड़ियाँ लिखिए,
और नज़म पढ़कर जुमले पर सही का निशान लगाओ। ये तमाम जो सरगर्मियाँ नीचे दी गई हैं, इन सरगर्मियों को आपको खुद से हल करना है। ये आज आपका होमवर्क है, ठीक है। अब ये नज़म आपको समझ में आ चुकी होगी, इसको पढ़ें, लिखें और याद करके इसका एक वीडियो बनाएं और अपने टीचर के, उस्ताद के व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें। इस तमाम सरगर्मी को भी बयाज में लिखें, इसकी फ़ोटो निकालें और इसको भी अपने उस्ताद के व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। घर में रहें, महफूज रहें और बाहर जाते वक्त मास्क वगैरह का इस्तेमाल करें, अपनी हिफाजत करें और घर पर पढ़ाई करते रहें। अल्लाह हाफिज़।